नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सिख फॉर जस्टिस की धमकी पर बोले सीएम सुक्खू, पर्यटक ना करे चिंता, विधानसभा के बाहर लिखे थे खालिस्तानी नारे। धर्मशाला में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने व सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपंत वंत सिंह पन्नू की धमकी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि कुछ लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश व केंद्र सरकार देश विदेश के पर्यटकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह सक्षम है। इससे पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वनडे वर्ल्ड कप मैचों के चलते दिल्ली गगर की सभी फ्लाइट्स की टिकट 16 से 31 अक्टूबर तक बुक। धर्मशाला में प्रस्तावित एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के चलते दिल्ली से गगर एयरपोर्ट तक की आने वाली सभी फ्लाइट्स की टिकट बुक हो चुकी है। अब एयरलाइंस प्रबंधन गगर एयरपोर्ट में अतिरिक्त फ्लाइट उतारने के लिए यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या व एयरलाइंस की उपलब्धता को देखते हुए निर्णय लेगा। धर्मशाला में क्रिकेट विश्व कप के मैचों को देखते हुए दिल्ली से गगर एयरपोर्ट की 16 से 31 अक्टूबर तक फ्लाइटें पूरी तरह पैक हो गई हैं। वहीं 6 से 15 अक्टूबर की फ्लाइटों की टिकटें भी 7,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये में मिल रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो मैचों को देखते हुए एयरलाइंस गगर एयरपोर्ट में फ्लाइटों की संख्या डिमांड को देखते हुए आगामी दिनों में बढ़ा सकती है। वर्तमान में कांगड़ा के गगर एयरपोर्ट में 5 फ्लाइटें दिल्ली से गगर एयरपोर्ट पर उतरती हैं। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, कुछ स्थानों पर बरसेंगे बादल, जाने मौसम का पूरा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने इस बार बहुत तबाही मचाई है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है लेकिन हल्की हल्की बारिश की संभावना बनी रहती है। इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इस दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल में 3 फर्जी वेबसाइट से चल रहा था क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खेल। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का मामला रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी बीच सामने आया है कि शायद 3 फर्जी वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का काला कारोबार चला रहे थे। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केट के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। फर्जी वेबसाइट में कॉइन और डॉलर में हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को खुश किया जाता है। इन्हीं को देखकर नए लोग खुद ही निवेश करने को मजबूर हो जाते हैं। जांच में ये पाया जा रहा है कि शातिर फर्जी वेबसाइट में मनगढ़ंत हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को शुरू में रुपए भी देते रहे लेकिन बाद में सब मैनेज करना मुश्किल हो गया तो मुख्य आरोपी भूमिगत हो गया। इसी के साथ वेबसाइट भी बंद कर दी गई। शातिर क्रिप्टो करेंसी की तरह कोर व्यू डिजिटी बिटपैड फर्जी वेबसाइट में निवेश करने के बाद कहते रहे बकायदा पीड़ितों को उनकी ग्रोथ और रिटर्न दिखाई जाती रहे। अब तक सामने अधिकतर मामलों में नकदी के पीड़ित लोगों ने शातिर को दी है जबकि ऑनलाइन भुगतान बेहद कम हुआ है। पशु चिकित्सा अधिकारी के भरे जाएंगे 56 पद, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 56 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद आयोग की वेबसाइट से आवेदन करने से संबंधित लिंक को हटा दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।